सभी साथियों का यहाँ पर उपस्थित होने के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। सभी संगठन के लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप सब लोग बी एच यू के स्टूडेंट्स की सॉलिडारिटी में आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, अपनी बात शुरू करने से पहले दो तीन इन्फॉर्मेशन है जिसको हम देना चाहते हैं। आप जानते हैं कि आज तीन लाइब्रेरियों का एक बहुत इम्पोर्टेंट, एक आप क्या कह सकते हैं, पैराडॉक्स कह सकते हैं इसको। ये किस्सा तीन लाइब्रेरीज का है। ये कौन सी तीन लाइब्रेरीज का है? एक बी एच यू के अंदर जो छात्र 24/7 साइबर लाइब्रेरी मांग रहे हैं उनको रस्टिकेट किया जाता है, और यहाँ पर उसी सरकार के नुमाइंदे जो वहाँ पर ये दमन कर रहे हैं, जिनमें से कुछ अभी ढाबे पर बैठकर पुलिस की जासूसी करने के लिए यहाँ पर सुन रहे हैं कि हम क्या बोलेंगे, वो लोग जाकर के वहाँ पर क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को रस्टिकेट करते हैं, स्टूडेंट्स को अरेस्ट करते हैं। किस लिए? क्योंकि वो भूख हड़ताल पर बैठे थे। और एक लाइब्रेरी है जे एन यू की लाइब्रेरी, जिसको हम लोगों ने अपने संघर्ष से बनाया, अपने संघर्ष से बचाया, अपने संघर्ष से उसमें हमेशा हम लोग बेहतरी की बात करते हैं। क्योंकि जब लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि समाजवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, समाजवाद ये होता है कि जो है उससे बेहतर, जो है उससे बढ़िया, इसकी मांग है समाजवाद। और इस लाइब्रेरी में जिन लोगों का कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, उल्टा जो लोग कॉल देते हैं कि जे एन यू को बंद कर दो, अरे जब जे एन यू बंद होगा तो तुम्हारी लाइब्रेरी कहाँ से बचेगी, तब लाइब्रेरी भी बंद हो जाएगी। वो लोग जो जे एन यू को बंद करने की कॉल देते हैं, एफ टी आई को बंद करने की कॉल देते हैं, एच सी यू को बंद करने की कॉल देते हैं, वो कहते हैं कि हम लाइब्रेरी का नामकरण कर रहे हैं, और उनके रिप्रेजेंटेटिव आकर एकेडमिक काउंसिल में कहते हैं कि लाइब्रेरी का नाम अम्बेडकर लाइब्रेरी, कन्वेंशन सेंटर का नाम ए पी जे अब्दुल कलाम कन्वेंशन सेंटर, और स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडे स्टेडियम। उनको इतना भी नहीं पता कि बिरसा मुंडे नहीं कहा जाता, बिरसा मुंडा कहा जाता है। ये दूसरी लाइब्रेरी की कहानी। आपने नामकरण तो कर दिया, लेकिन आपसे पूछना चाहते हैं कि नामकरण तो नई चीज का होता है, आपने उसमें नया क्या किया? अम्बेडकर या भगत सिंह के नाम का क्या आपने कोई आर्काइव खोला? क्या उनकी ओरिजिनल राइटिंग्स को बिना एप्रोप्रिएशन के, बिना ट्विस्टिंग के स्टूडेंट्स को आपने देने का कोई प्रबंध किया? नहीं किया। क्या किया? बस नाम बदला। और जिस बिरसा मुंडे को आप बिरसा मुंडे कहकर इन्वोक करते हैं, जो बिरसा मुंडा है वो क्या कहते थे, उनका एफडीआई के बारे में क्या कहना होगा, आप जो 100% एफडीआई लाए हैं उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी अगर आज वो जीवित होते, जरा इस पर भी बताइए। ये दूसरी लाइब्रेरी की कहानी। और एक तीसरी लाइब्रेरी की कहानी है जो महाराष्ट्र में अम्बेडकर ने खुद खड़ी की थी। अम्बेडकर ने खुद वहां से अपना संघर्ष जारी किया था, उसको तोड़ दिया जाता है। आप सभी साथियों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि आज रात को जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की तरफ से एक एफजी बर्निंग महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और आरएसएस का भी है, आप सब लोग उसमें भी शिरकत कीजिए। कई सारे प्रोग्राम्स हैं, समय कम है, आप लोगों को डिसर्टेशन और थीसिस लिखना है, और भी कई सारी चीज़ें हो रही है कैंपस में, लेकिन इस मुद्दे के लिए हम लोगों को लगता है कि हमें अपना समय निकालना चाहिए। हम चाहेंगे कि बीएचयू के साथी जो यहाँ पे मौजूद हैं वो शाम को उस एफजी बर्निंग में भी मौजूद रहे। और कल बापसा का एक कॉल है महाराष्ट्र भवन पे 10 बजे असेंबल होने का, प्रोटेस्ट का, इसी डेमोलिशन के खिलाफ। हम लोग उसको जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की तरफ से और आईसा की तरफ से हम लोग उसको एंडोर्स करना चाहेंगे, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि उस प्रोटेस्ट में हम लोग भी शामिल हों। साथियों, ये अनाउंसमेंट करने के बाद हमें लगता है कि दो तीन बातें जो वहाँ से ज़रूरी है जिनको बोलना चाहिए, वो ये है कि वहाँ पर एक मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है जिनका नाम है ओपी उपाध्याय, जिनको बनाया है करंट पीसी जीसी त्रिपाठी, उसने उनको अपॉइंट किया है। और उनका क्या इतिहास है? उनका इतिहास ये है कि उनको फिजी में, जापान में उनको सेक्सुअल मिसकंडक्ट के लिए, सेक्सुअल हरासमेंट के लिए कन्विक्ट किया गया और वो वहाँ से सज़ा काट के आए। लेकिन यहाँ पर जीसी त्रिपाठी जी, वो इज़ एक्सट्रीमली करप्ट, वो उठा करके उनको मेडिकल सुपरिंटेंडेंट बना देते हैं। हमारे बीचों के साथियों की मांग सिर्फ और सिर्फ साइबर लाइब्रेरी की नहीं है। आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने ऑक्यूपाई यूजीसी के आंदोलन में शिरकत की है, आप लोग जानते हैं कि ऑक्यूपाई यूजीसी की एक मांग तो ये थी कि 5 से 8, 8 से 12 स्टेट यूनिवर्सिटीज वगैरह वगैरह, लेकिन सिर्फ ये मांग नहीं थी। ऑक्यूपाई यूजीसी के आंदोलन ने आज़ादी की भी मांग की थी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी की मांग की थी, पितृसत्ता से आज़ादी की मांग की थी,
साम्राज्यवाद से और सांप्रदायिकता से आजादी की मांग की। एक हर एक आंदोलन का एक लोकलाइज्ड डिमांड होती है और हर एक आंदोलन का एक यूनिवर्सल डिमांड होता है। हमारे बीएचयू के साथियों ने कई सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे फ्लैग किए, जिनको मैं फिर से एक बार कहना चाहती हूँ। लड़कियों से एफिडेविट लिखवाया जाता है कि आप किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं होंगे। लड़कियों को कहा जाता है कि आप नॉन वेज नहीं खाएंगे, और अगर कैंपस के अंदर कोई भी एक्टिविटी हो उसको बंद किया जाता है। प्रॉक्टर के गुंडे आकर के स्टूडेंट्स को पीटते हैं, लेकिन जब हमारा कार्यक्रम हो रहा था उस वक्त कैंपस के अंदर से एबीवीपी की रैली निकलती है, फुल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटेक्शन के साथ, फुल पुलिस पेट्रोनेज के साथ, जिसको कुछ नहीं कहा जाता। वहाँ पर जबरदस्त तरीके से एंट्रेंस के एग्जाम्स में धांधली चलती है। जिसका नंबर कम होता है उसको स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाता है, जिसका नंबर ज़्यादा होता है उसको स्क्रीनिंग के लिए नहीं बुलाया जाता, और इसका कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं है। इन साथियों ने इस बात को भी उठाया है, इन साथियों ने फाइनेंशियल करप्शन की बात को उठाया है। बीएचयू में बदलाव की आवाज़ खड़ी हुई है और उसको हम लोग जेएनयू से पूरा समर्थन करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये बदलाव की आवाज़ एएमयू के अंदर से आ रही है, ये बदलाव की आवाज़ पौंडिचेरी यूनिवर्सिटी से आ रही है, ये बदलाव की आवाज़ फर्ग्यूसन कॉलेज से आ रही है, और हर कॉलेज से, हर यूनिवर्सिटी से जब ये आवाज़ मिल करके उठेगी उस वक्त इस सरकार के पास मुंह छुपाने की जगह नहीं होगी। ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी क्यों चाहिए, स्टूडेंट्स को कौन देखते हैं। हम लोग इस पे हंस सकते हैं, कई सारा मजाक कर सकते हैं, हम लोग इस बात का मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन ये एक पैटर्न है साथियों। ये पैटर्न क्या है? जब एफटीआई के अंदर छात्र संघर्ष करते हैं उनको कहा जाता है कि ये लोग इमोरल हैं, ये लोग इमोरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। जब अम्बेडकर पेरियार स्टडी सर्कल के लोग अम्बेडकर पेरियार की टेक्स्ट पढ़ते हैं, भगत सिंह की टेक्स्ट पढ़ते हैं, उनको कहा जाता है कि ये एंटी नेशनल है। एचसीयू के अंदर कहा जाता है कि ये लोग एंटी नेशनल है। रोहित वेमुला और उनके साथियों को कहा गया कि ये लोग तो एक्सट्रीमिस्ट, कास्टिस्ट और एंटी नेशनल है। ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। जेएनयू के अंदर कहा जाता है ये लोग एंटी नेशनल है। ये कहना कि छात्र पोर्न एडिक्ट है, ये सरकार को मुंह छुपाने के लिए जो मुखौटा चाहिए ये वो है। आप ये लोग तो आज़ादी भी नहीं मांग रहे, ये लोग तो सिर्फ लाइब्रेरी मांग रहे हैं, इनको क्या कहोगे? इनको भी एंटी नेशनल कहोगे? नहीं, इनको क्या कह देंगे कि पोर्न एडिक्ट। इस तरह से आंदोलनों को बदनाम किया जाता है, इस तरह से आंदोलनों की जो जेन्युइन, जो उनकी एस्पिरेशंस होती है उनको ख़त्म किया जाता है, उनको अंडरमाइन किया जाता है। हम लोगों को न सिर्फ इस टारगेटिंग के खिलाफ लड़ना है, हम लोगों को इस सरकार का नेचर एक्सपोज करना है, इस सरकार को बताना है कि वो किस तरह से एंटी नेशनल है, वो किस तरह से एंटी वुमेन है, वो किस तरह से एंटी पीपल है, वो किस तरह से एंटी पुअर है। इस बात को जब हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, उस वक्त हम लोग अपने आंदोलन को मजबूत करेंगे। जगह जगह फेलोशिप का स्कैम चल रहा है, जगह जगह से स्टूडेंट्स आज कंप्लेन कर रहे हैं कि हमको फेलोशिप नहीं मिल रहा। जगह जगह से ये कंप्लेंट्स आ रही है कि नौकरियों में धांधली हो रही है, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रही है। भाजपा के अपने लोगों को लगाया जाता है, करप्शन करके पैसा देके अपने लोगों को लगाया जाता है, और ये पूरे देश भर से ये आवाज़ चल रही है। आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो ये है कि इन सब आवाज़ों को इकट्ठा किया जाए, सब लोग एक साथ बोलें, सब लोग मिल के बोलें, सब लोग जोर से बोलिए कि हमें चाहिए आज़ादी, जातिवाद से आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, कॉर्पोरेट लूट से आज़ादी, और इस तरह के पेट्रियार्कल फरमान से जो कि बीएचयू में दिए जाते हैं उनसे आज़ादी चाहिए। एएमयू के अंदर साथियों आप लोग जानते होंगे, जहां कहा जाता है कि लड़कियों को बहुत अप्रेस किया जाता है, सुषमा स्वराज और स्मृति ईरानी कहती है कि लड़कियों को बहुत अप्रेस किया जाता है, हो सकता, लेकिन पहली बार एएमयू के इतिहास में आप लोग जानते हैं कि लड़के लड़कियाँ दोनों रात भर हॉस्टल से बाहर रहे, और वहाँ पर हॉस्टल एविक्शन को रेजिस्ट करने का उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया, और उसके बाद एक साथी को वहाँ से रेस्टिकेट भी किया जाए, और उसको रेस्टिकेट किया गया, वो रेस्टिकेशन के खिलाफ लड़ रहा है, जगह जगह लोग रेस्टिकेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं, कोई भी उम्मीद छोड़ नहीं रहा है, कोई भी अपनी हिम्मत छोड़ नहीं रहा है। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि किस तरह से इन सब आवाज़ों को, इन सब बदलाव की आवाज़ों को एक जगह लाया जाए, कंसोलिडेट किया जाए, और एक यूनाइटेड स्टूडेंट्स मूवमेंट जो इस देश की व्यवस्था को बदलने का पोटेंशियल रखता हो उसको हम लोग बिल्ड करें, उसको हम लोग आगे ले जाएं। फिर से एक बार आपसे अपील करते हैं कि आज शाम के एफजी बर्निंग को ज्वाइन कीजिए, कल के प्रोटेस्ट को ज्वाइन कीजिए। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद।